योगेंद्र है हमारे साथ और साथ में अमित है। पहले हम प्रवीण से बात करेंगे कि प्रवीण जी आपको आप इनके साथ जुड़े हुए हैं CFCT के साथ, बिल्कुल सर, और आपने इन सबको कोचिंग प्रोवाइड करी, तो योगी अमित जैसे कैंडिडेट्स को कोचिंग देना और कोई बच्चे जो स्लम से आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, इनको कोचिंग देने में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखा? सर देखिए, डिफरेंस ये है कि पहले इन दोनों को मैं कोचिंग दे रहा था, ये हमारे काफ़ी सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं राजेश गुंदीर जी के साथ जुड़ा तो मैंने ये स्लम क्रिकेट लीग का जो थर्ड हमने कराया उसके साथ हमने ट्रेनिंग का भी एक प्रावधान रखा कि जिसमें हम बच्चों को पहले सिलेक्ट करेंगे, बच्चों को कि उनमें कैपेबिलिटी क्या क्या है, किस किस में। हमने ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन सभी बच्चों को बुलाया था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा एक इनका ट्रेनिंग सेशन रखा था जिसमें योगी और अमित ये दोनों मेरे साथ थे। हमने उनको नेट प्रैक्टिस दी, उसमें हमने सिलेक्ट किया बच्चे किसके अंदर गया, जैसे उसमें हमें परवेश मिला, उसमें हमें संदीप मिला, उसमें हमें रोशन मिला, बहुत सारे लड़के ऐसे लिए। फिर हमने एक टीम इनकी सिलेक्ट की और उसके बाद इनको एक और एक दिन हमने ट्रेनिंग दी थी, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन किया 8 टीमों का। उसके बाद हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो है ना हेल्प किया। उनमें और इनमें फ़र्क ये था कि ये तो सर थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे हैं, काफ़ी इन्होंने क्रिकेट खेला है, अमित ने काफ़ी क्रिकेट खेला है, बट ये बच्चे जो हैं स्लम्स के हैं, गरीब बच्चे हैं, इनको उतना नॉलेज नहीं था जितना इन बच्चों को है। थोड़ा रूल रेगुलेशन में थोड़ा फ़र्क मिला, उनको इतना पता नहीं था, जितना वो जानते थे क्रिकेट देख के उतना ही वो सिर्फ बता पा रहे थे। यहाँ हमने उन्हें समझाया, इनकी गाइडेंस में रखा, इनको कप्तान बनाया, इन्होंने सिखाया, इनकी गाइडेंस में वो आगे बढ़े हैं। और इस टूर्नामेंट के बाद वो कम से कम ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि कहीं अलग अगर अच्छा टूर्नामेंट हो रहा होगा तो वो ऐसे खेलेंगे, उनको कोई कह नहीं सकता कि ये स्लम्स के बच्चे हैं, एक एक चीज़ उन्हें पता है। तो आपने जैसे बताया कि ट्रेनिंग कैंप आपने ऑर्गेनाइज़ किया, सिलेक्शन क्राइटेरियाज रखे, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, और आपने कुछ बच्चों का नाम लिया, जैसे परवेश का नाम लिया, संदीप का नाम लिया, डेविड का नाम लिया, और हमने देखा आज फाइनल में इन तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। परवेश को जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड भी मिला, डेविड को भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस मिला, तो आपको मतलब एक विश्वास और बैठ गया कि एक ट्रेनिंग कैंप और एक सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा रहे तो एक अच्छे बच्चे ज़रूर निकल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मैं अभी हम एक ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, ट्रायंगुलर सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, जिसमें जो हमने सिलेक्शन किया इस टूर्नामेंट में जो बच्चे निकल के आए हैं उनकी हमने एक टीम बनाई है, और अब हम उनका एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे और एक ट्रायंगुलर सीरीज़ कराएंगे। और ये बच्चे तो ऐसे हैं सर, इनको थोड़ी सी अगर और गाइडेंस मिले और थोड़ा ट्रेनिंग अच्छा सा मिले, जैसे कि राजेश गुंदीर जी इनको भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं, शर्मा जी की वहाँ पे बात की, वेस्ट दिल्ली एकेडमी में डालेंगे या हम सारे मिलके इन पे ध्यान देंगे, तो ये बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। योगी और अमित से बात करते हैं। योगी, जैसे कि आपको भी फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिला कि स्लम क्रिकेट के बच्चे हैं और प्रवीण जी के अंडर आप खेलते आए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इन बच्चों को गाइड करके कैसा लगा, एक अंदर की खुशी के बारे में ज़रूर बताइए। सर इससे पहले तो मैं सर का शुक्रिया करूँगा जो हमें बहुत सपोर्ट किया और इन बच्चों के साथ मिलाया और इनको गाइड करना बहुत अच्छा लगा, इनका अनुशासन देखा बहुत अच्छा लगा, और बाकी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वैसे बच्चे खेल रहे हैं, लग रहा था कि क्रिकेट पूरी प्रॉपर टीम खेल रही है, और जो हमने बोला वो सुना, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली सर, और आगे के लिए हम तय कहेंगे बहुत अच्छे खेले। आपके छोटे भाइयों की तरह थे सब ये बच्चे? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत छोटे भाइयों की तरह थे, और बाकी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और ख़ासकर वो परवेश बहुत अच्छा खेला। इन बच्चों ने तो आपसे बहुत कुछ सीखा, कुछ आप लोगों ने भी इन बच्चों के साथ सीखा? पैशन सर। चलिए अमित कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इनके अंदर पैशन बहुत है क्रिकेट के लिए, लाइक अगर ऐसे हम होते हैं हम थक जाते हैं, बट ये थकते नहीं है, ऐसी बात है, क्योंकि मतलब पूरे पैशन के साथ खेलते हैं, डाई हार्टेडली मतलब टूवर्ड्स क्रिकेट, पूरा मतलब अपने आपको मोटिवेट करते हैं साथ में। वेरी गुड। सो ये आपने देखा स्लम क्रिकेट लीग के कोचेस और उनके जो गाइड्स थे जिन लोगों ने स्लम क्रिकेट लीग को बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, और बहुत अच्छे बच्चे परवेश, डेविड, संदीप जो इनके अंडर से निकल के आए, और ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।